डियर स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एसओएफ एफ इंटरनेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड के अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन स्टडी द गिवन वर्ड ग्रिड विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी फाउंड इन गिवन वर्ड ग्रिड ऑप्शन ए अ प्लानिट नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार अब आप इस वर्ड ग्रिड को सॉल्व करेंगे आपको पता है कि मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कौन सा होता है वीनस अब आप यहां सर्च करेंगे तो आपको ये दिखेगा ई एन यू एस वीनस नेक्स्ट ऑप्शन बी अ प्लानेट आल्सो नोन एज द रेड प्लानिट रेड प्लानिट इज मार्स अब आप वर्ड रिट में देखेंगे तो आपको मार्स नहीं दिखेगा अभी ऑप्शन सी द बिगेस्ट प्लानिट इन द सोलर सिस्टम जुपिटर जुपिटर अगर हम यहाँ वर्ड ग्रिड में ढूंढेंगे तो ये है आपका जुपिटर ऑप्शन डी अ प्लानिट ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लानट ब्लू प्लानिट अर्थ और ये है आपका ई ए आर टी एच आर्थ सो ओनली ऑप्शन इज बी विच वी कांट फाउंड इन वर्ड ग्रिड क्योंकि आपको बोला गया है कांट बी फाउंड इन वर्ड ग्रिड सो ऑप्शन बी मार्स नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी टू Unscramble the given letters to obtain the name of a Bronze Age civilization and select the correct statement regarding it. Hmm, सबसे पहले हम इसको unscramble करेंगे। तो ये आप देख रहे हो, ये क्या है? इंडस, I N D U S, इंडस। और ये वैली, इंडस वैली के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑप्शन ए The most important cities of this civilization were Harappa and Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro. this This option is correct. Option B. The cities of this civilization were very well planned. This is also correct. Option C. The great path has been found in Mohenjo-Daro. This is also correct. So, all the, of these.

फोर पर है पी ए एल भोपाल दिस बिकम्स भोपाल नाउ नेक्स्ट ऑप्शन बी सिटी ऑल्सो नोन है वैली ऑफ इंडिया सेवन टू सिक्स सेवन पर है बी ई एन टू जी ए एल और सिक्स पर है यू आर यू तो ये बन गया आपका बेंगलुरु नाउ नेक्स्ट सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर साबरमती वन फाइव थ्री वन पर है आपका ए एच एम फाइव पर है ई डी ए और थ्री पर है आपका बी ए डी अहमदा नाउ सिटी ऑल्सो नोन एज पिंक सिटी इन इंडिया नाइन एंड इलेवन को आप ज्वाइन करोगे नाइन पर है जय और इलेवन पर है पुर तो ये बन गया आपका जयपुर तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन जो इनकरेक्ट है वो है सिटी आल्सो नोन है इन इंडिया बिकॉज इट इज नॉट भोपाल इट इज कोलकाता तो ऑप्शन इज इन करेक्ट other options are correct now question number 34 identify the famous writer in the given picture and select the correct option regarding him. तो so, आप ये पिक्चर देख रहे हैं सबसे पहले तो हम देखेंगे ये पिक्चर किसकी है ये है नाथ टैगोर की इससे रिलेटेड options है ऑप्शन ए गीतांजलि इज अ कलेक्शन ऑफ poems written बाय हिम यस दिस इज करेक्ट ऑप्शन बी ही इज इंडियाज फर्स्ट नोबेल लॉरेट यस दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन सी ही रोड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया दिस इज आल्सो करेक्ट सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस दिस विल बी आर आंसर नाउ आर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव मैच द कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन कॉलम वन और कॉलम टू दिए हैं आपको पोंगल बैशाखी ओनम पीहू और कॉलम टू में है बोट रेसेस राइस डिशेस भांगड़ा मेजी अब मैच द तो फॉलोइंग में आप इसमें आप देख सकते हो जो जो आपको पता है सबसे पहले तो आप उसको मैच करोगे आपको पता है कि बैशाखी किससे रिलेटेड है भांगड़ा से तो आप यहाँ पे बी की ऑप्शन थर्ड जहाँ जहाँ है मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो सकती है पर ये हमारी इसमें से रिजेक्ट हो जाएगी ऑप्शन दोनों ठीक है अब आप अगला देखोगे पोंगल पोंगल आपको पता है कि पोंगल इज रिलेटेड टू राइस डिशेस पोंगल इज रिलेटेड टू राइस डिशेस सो ए का ऑप्शन टू यहां पर भी टू है यहाँ पर भी टू है नेक्स्ट सी ओनम ओनम इज रिलेटेड टू बोट रेसेस ओनम इज़ रिलेटेड टू बोट रेसिस तो सी का ऑप्शन वन यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर फोर है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट लास्ट हमारा बचता है बीहू सो so, बीहू इज़ रिलेटेड टू तो मेजी सो आर ऑप्शन सी इज करेक्ट ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर